नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मैच में। और आज मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि आज दोस्तों जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला खेला जा रहा है। यानी कि आज का जो मैच है दोस्तों, ये एकदम फाइनल मुकाबला है, क्योंकि पिछले दो T20 मैचेस में दोनों ही टीम एक एक मैचेस जीत करके आ रही है। तो आज का मुकाबला बिल्कुल फाइनल मैच की तरह खेला जाएगा और ये देखना दोस्तों बड़ा दिलचस्प और रोमांचक होगा कि आखिरकार दोनों में से आज कौन सी टीम जीत हासिल करती है, क्योंकि दोनों में से जो भी टीम आज के इस मुकाबले को जीतेगी ट्रॉफी उनके नाम हो जाएगा। और आज और विकेट ओवर की दूसरी गेंद पर सफलता मिला जिम्बाब्वे के खिलाड़ी दोस्तों क्रैग एरविन। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन एक आसान सा कैच दे बैठे और ये बड़ी सफलता बड़ी विकेट यहां पर श्रीलंका को मिला। आपको बता देना चाहूंगा कि आज के इस मैच में श्रीलंका की टीम टॉस को जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला ली और पहले बल्लेबाजी करने का जो मौका है दोस्तों वो जिम्बाब्वे को दिया गया। और कहीं ना कहीं आज श्रीलंका के कैप्टन चाहते थे कि पहले गेंदबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ी करने से रोका जा सके। और शुरुआत देखिए बहुत अच्छी मिली है इस समय। ओवर की दूसरी ही गेंद पे एक विकेट श्रीलंका को मिल चुका है और नए बल्लेबाज क्रैग इरविन आज के इस मैच में बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन लौट रहे हैं। कमाल की फील्डिंग यहां पे हमें समर विक्रमा की तरफ से देखने को मिला। सदीरा समर विक्रमा ने कैच को पकड़ लिया। क्रैग इरविन जो है दोस्तों बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन लौट रहे हैं। एक ये पहला ही ओवर फेंका जा रहा है और ये बड़ी सफलता और ये बड़ी विकेट इस समय श्रीलंका को मिल चुका है। फिलहाल आप लोग हमें दोस्तों चैट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इस मैच में जिम्बाब्वे की जो टीम है पहले पावर प्ले में शुरुआती के 6 ओवर में क्या लगता है कितने रन बना पाएगी, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पप्पू डॉन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, असलम भाई हमारे साथ बने हैं, मोहम्मद रियाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस खूबसूरत खेल में। और अब आपको बता दूँ तो बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर दोस्तों ब्रायन बेनेट को बुलाया गया है, जो कि 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अब तक 5 मैचेस में 63 रन बना चुके हैं, 121 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। और फिलहाल ब्रायन बेनेट बिल्कुल इस समय दोस्तों तैयार हो चुके हैं, नंबर 3 पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल के गेंदबाज हैं। आपको बता दूं एंजेलो मैथ्यूज पहले T20 मैच में तो इनको विकेट नहीं मिला था और ना ही दूसरे T20 मैच में इनको विकेट मिला था, लेकिन आज पहले ही ओवर में अपनी टीम को विकेट दिलाए हैं, अपनी टीम को सफलता दिलाए हैं। आपको बता दूं दोस्तों इस समय अगर बात करेंगे बेनेट के बारे में तो बेनेट पिछले मैच में 20 गेंदों में 25 रन बनाए थे, यानी कि इनके पास वो ताकत वो काबिलियत है कि आज अपने टीम के लिए बड़ी पारी खेल सके और चौके के साथ शुरुआत किए हैं। ओवर की चौथी गेंद पे बेनेट के बल्ले से ये खूबसूरत चौका सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए खेल दिया गया है। दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी, मौका पाते ही गेंद को सीधा चौके में तब्दील कर दिए हैं और ये खूबसूरत बाउंड्री और ये खूबसूरत चौका हमें इस वक्त नजर आ रहा है। मौका पाते ही गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खेल दिया। शुरुआती के 4 गेंदों में 5 रन मिल चुकी है और ऊपर से एक विकेट भी यहां पर गई है और चौके के तुरंत बाद एक और बाउंड्री, लगातार दोस्तों बैक टू बैक चौके। एंजेलो मैथ्यूज की गेंदों पर ब्रायन बेनेट बिल्कुल शुरुआत से ही आक्रामक प्रहार कर रहे हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैक टू बैक चौके यहां पर नजर आ रही है दोस्तों। शुरुआती के 5 गेंदों में 9 रन मिल चुका है, एक विकेट भी गई है। पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा। देखिए जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की अगर बात करेंगे तो भले ही इनका एक विकेट गिर गया हो लेकिन पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा और थोड़ा संभल करके यहां पर बल्लेबाजी करने की इस वक्त दोस्तों आवश्यकता रहेगी। अगर आप लोग देखेंगे तो इस समय शुरुआत तो अच्छी मिली है भले ही एक विकेट गया हो और लेकिन अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं है, एक अच्छी फील्डिंग ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर के इस ओवर में हमें 9 रन मिला, यानी कि एक ओवर के बाद दोस्तों जिम्बाब्वे का स्कोर 9 रन बन चुका है और एक विकेट के नुकसान रही। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 4 गेंदों में 8 रनों की साझेदारी बन चुकी है। बात करेंगे दोस्तों क्रैग इरविन आज के इस मैच में जल्दी आउट हो गए लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस समय इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बने, क्योंकि अगर पार्टनरशिप अच्छी बनेगी तो स्कोर भी बड़ा बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर गेमिंग वीडियोज का कहना है कि जिम्बाब्वे की टीम ऑलआउट हो सकती है। साथ ही साथ पप्पू डॉन का कहना है कि विकेट किसने लिया। देखिए पहला विकेट एंजेलो मैथ्यूज ने लिया
पहला विकेट एंजेलो मैथ्यूज ने लिया। मोहम्मद रफीक जी का सवाल है कि भाई और कौन है, देखिए अभी और कौन है बात करेंगे तो कोई भी खिलाड़ी अगर आउट होता है तो आगे आपको सीन विलियम्स की बैटिंग मिलेगी, सिकंदर रजा की बैटिंग मिलेगी, मडांडे की बैटिंग मिलेगी, क्लीव मडांडे, और उनके बाद वेलिंगटन मसकाजा की बैटिंग मिलेगी। तो बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में शामिल है, बस ध्यान ये देना जिम्बाब्वे को कि अगर आज एक अच्छा एक फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा और कम से कम पार्टनरशिप बड़ी करने की कोशिश करना होगा, तभी जाकर के दोस्तों बल्लेबाजों को जो है प्रेशर रिलीज करने का मौका मिलेगा। और इस बार कैच आउट का दोस्तों मौका था लेकिन कैच ड्रॉप रहा और इस बार तेजी से दौड़ करके दो रन पूरा कर लिए। तिन्नाशी को एक जीवन दान मिलता हुआ, विकेट का पूरा मौका था दोस्तों लेकिन गेंद बहुत ऊपर चली गई थी और रनिंग कैच पकड़ना था, दौड़ते हुए कैच पकड़ना था और इसी वजह से जो फील्डर है वो कामयाब नहीं हो पाए और ये कैच जो है दोस्तों ड्रॉप रहा। यानी कि 1.1 ओवर के बाद इस समय जिम्बाब्वे का स्कोर 11 रन बन चुका है, एक विकेट की दोस्तों नुकसान रही है। दिलशान मधुशंका गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज है दिलशान मधुशंका। अगर दिलशान मधुशंका के बारे में आपको बता दूं तो ये दोस्तों पहले T20 मैच में पिछले T20 मैच में इनको एक विकेट मिला था और आज दोबारा से इनको गेंदबाजी करने का मौका मिला है, तो देखते हैं किस तरीके से आखिरकार बल्लेबाजी रहती है। फिलहाल अगली गेंद पे एक और सिंगल बड़ी आसानी से एक सिंगल बटोर करके स्ट्राइक तुरंत यहाँ पर रोटेट कर लिए हैं, लेग बाई के चलते सिंगल मिला है, स्ट्राइक पे बेनेट पहुंच चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 6 गेंदों में 11 रनों की एक छोटी सी पार्टनरशिप यहाँ पर बननी अब शुरू हो चुकी है और अब आने वाले गेंदों का फिलहाल सामना करने के लिए स्ट्राइक पर एक बार फिर से खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पे बेनेट तैयार हैं। आपको बता देना चाहूंगा आज का जो मुकाबला है दोस्तों, आप लोग सीधा श्रीलंका से लाइव देख रहे हैं, श्रीलंका यानी कि खूबसूरत आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो से लाइव देख रहे हैं। और एक बार फिर से गेंद को सीधा पॉइंट कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए खेल दिया, एक और खूबसूरत बाउंड्री ब्रायन बेनेट के बल्ले से, ये तीसरा चौका। आज ये बल्लेबाज केवल चौके में डील कर रहे हैं। आपको बता दूं ब्रायन बेनेट देखिए 5 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाए हैं और ये जो 12 रन दोस्तों इनके बल्ले से बना है ये चौके की मदद से ही बना है। अब तक 3 चौके लगा चुके हैं और पिछले ओवर में 2 चौके लगा था, इस ओवर में भी एक बाउंड्री इनके बल्ले से देखने को मिला है। फिलहाल 1.3 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 16 रन बन चुका है और ऊपर से एक विकेट के भी यहां पर नुकसान रही है दोस्तों। हालांकि अब ओवर की बचे 3 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर अभी भी बेनेट तैयार हैं। फिलहाल ओवर की 4th गेंद और एक बार फिर से डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और निकल चुकी है दोस्तों बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, एक और खूबसूरत बाउंड्री बैक टू बैक चौके। कैप्टन वरिंदो हासरंगा इस समय थोड़े से बातें कर रहे हैं मधुशंका के साथ, क्योंकि अगर इसी तरीके से लगातार बाउंड्री लगेगी तो जिम्बाब्वे की टीम आज के इस मैच में एक बड़ी टारगेट जो है दोस्तों यहां पर खड़ी कर सकती है। वैसे आपको बता दूं शुरुआती के 4 गेंदों में, इस ओवर के शुरुआती के 4 गेंदों में अब तक 11 रन मिल चुका है और अब ओवर के बचे 2 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर बेनेट बिल्कुल दोस्तों तैयार हैं। 1.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 20 रन इस समय बन चुका है और इस बार भी निकल चुकी है गेंद दोस्तों बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, एक और खूबसूरत बाउंड्री बैक टू बैक बाउंड्री और बैक टू बैक चौके यहां पर लगा रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी, 5वां चौका ब्रायन बेनेट के बल्ले से आज के इस मैच में, ये केवल और केवल चौके में ही डील कर रहे हैं। 5 चौके लगी है, 20 रन ब्रायन बेनेट का बन चुका है। और यहाँ पर हमारे दर्शक नेपाल से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप लोग कमेंट करके बताएं पहले पावर प्ले में शुरुआती के 6 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम कितने रन बना सकती है और कितने विकेटें इनके गिर सकती है, आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको बता दूं 1.5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर फिलहाल 24 रन बन चुका है। पर गेंद को नीचे डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट खेल दिए और एक और चौका दोस्तों, 4 लगातार बैक टू बैक चौके ब्रायन बेनेट के बल्ले से हमें देखने को मिला है। कमाल की प्रदर्शन, बिल्कुल तेज और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी चल रही है दोस्तों। श्रीलंका की टीम
बहुत परेशान नजर आ रही हैं। श्रीलंका के कैप्टन दोस्तों परेशान नजर आ रहे हैं। दो ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 28 रन बन चुका है और एक विकेट की यहां पर दोस्तों नुकसान रही है। कमाल की शुरुआत यहां पे जिम्बाब्वे को मिला। वैसे टॉस आज श्रीलंका ने जीता और श्रीलंका की टीम टॉस को जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला ली और देखिए पहले बल्लेबाजी करने का मौका जिम्बाब्वे को मिला। हालांकि जिम्बाब्वे की विकेट तो गई लेकिन बल्लेबाजी बड़ी कमाल की हो रही है। लगातार बैक टू बैक बाउंड्री ब्रायन बेनेट की तरफ से देखने को मिल रहा है। 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। और अब एंजेलो मैथ्यूज को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर से स्ट्राइक पे तिनाशा पहली गेंद पे सिंगल खेल दिए और अब दोबारा से स्ट्राइक पर दोस्तों ब्रायन बेनेट पहुंच चुके हैं। करंट रन रेट 13.38 की नजर आ रही है। आपको बता दूं तो इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच में मात्र 11 गेंदों में 28 रनों की साझेदारी बन चुकी है। एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में फिलहाल नजर आ रही है दोस्तों। ओवर की अगली गेंद, इस बार कोई रन नहीं है, इस बार एक डॉट गेंद का इशारा। 2.2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 29 रन बन चुका है और एक विकेट की यहां पर नुकसान रही है दोस्तों। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी और विस्फोटक तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी मिली इस समय जिम्बाब्वे को। बस ध्यान देना है कि इस पार्टनरशिप को अगर और आगे तक लेकर जाते हैं तो एक बड़ी टोटल खड़ी हो सकती है। और ये बात दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आज का जो मुकाबला है ये फाइनल मैच है दोनों टीमों के बीच में। यानी कि जो 3 T20 मैच का सीरीज था उसमें से दोस्तों ये आखिरी तीसरा T20 मुकाबला है। और इससे पहले जो 2 T20 मैचेस खेले गए उनमें से पहला T20 मुकाबला श्रीलंका की टीम जीती और दूसरा T20 मुकाबला दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम जीती। यानी कि इस वक्त दोनों टीम इस सीरीज में 1-1 के बराबर पर है और आज ये फाइनल मुकाबला है, निर्णायक मुकाबला है। जो जीतेगा ट्रॉफी उसके पास चली जाएगी और इसी वजह से जिम्बाब्वे को एक अच्छी और एक बड़ी टारगेट खड़ी करने की कोशिश करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर दाऊद मंडल जी का कहना है कि 160 के आसपास की स्कोर बन सकती है। अरुण दाई जी हमारे साथ नेपाल से जुड़ चुके हैं और इनका कहना है कि 212 के आसपास की स्कोर बन सकती है। गोविंद कुमार जी का कहना है कि 80 रन 2 विकेट पे। हालांकि इस ओवर में फिलहाल गेंदबाजी अच्छी हो रही है। एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से 4 गेंदे फेंक चुके हैं और केवल 3 रन खर्च किए हैं और अब ओवर की बचे 2 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर ब्रायन बेनेट तैयार हैं। 2.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 31 रन बन चुका है, एक विकेट की नुकसान रही है। नीतीश जी का कहना है कि 175 के आसपास के स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप लोग हमारे साथ अभी दोस्तों जुड़े हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल पे आप सभी दर्शक नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही आप सभी दर्शकों का नाम स्क्रीन पे होगा और एक और बाउंड्री, 7वां चौका दोस्तों ब्रायन बेनेट के बल्ले से बहुत खूबसूरत तरीके से सीधा सीमा रेखा के बाहर खेल दिया गया है। आपको बता दूं ब्रायन बेनेट जो है ये जिम्बाब्वे के मात्र दोस्तों 20 वर्षीय, केवल और केवल 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब तक इंटरनेशनल मैचेस में केवल 5 ही T20 मैचेस खेले हैं, उनमें से दोस्तों इनका हाईएस्ट 27 रन ही रहा है। लेकिन आज देखिए, आज इनको इस मौका मिला इस महत्वपूर्ण मैच में और मौके का पूरा फायदा उठाते हुए और ये विकेट चौके के बाद एक आसान सा कैच खिलाड़ी को दे बैठे और विकेट गिर गई। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत अपने टीम को दिलाएं। पहले ओवर में जिम्बाब्वे का विकेट गया, उसके बाद से दोस्तों ब्रायन बेनेट ने मोर्चा संभाला और 22 गेंदों में 29 रन बना करके वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ये दूसरा विकेट एंजेलो मैथ्यूज को, दूसरा विकेट श्रीलंका को मिला। 3 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 35 रन बन चुका है और ये 2 विकेट की दोस्तों नुकसान हो चुकी है। अगर ओवरऑल इस समय दोस्तों देखेंगे तो देखिए जिम्बाब्वे को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी। हाँ, भले ही एक विकेट इनका अब जाकर के 2 विकेट गई हैं लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी मिली है। करंट रन रेट अभी 11.67 की है। तो बस जिम्बाब्वे का इस चीज़ का ध्यान देना है कि अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनने देना है। जो भी बल्लेबाज अभी बैटिंग करने के लिए आएंगे उनको दोस्तों इसी तरीके से रन रेट को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर रन रेट मेंटेन रखने में कामयाब हुए तो जिम्बाब्वे की टीम आसानी से 160-170 या उससे भी अधिक रन बना सकते हैं। और ये निर्णायक मुकाबला है तो किसी भी हर हालत में बड़ी
टारगेट खड़ी करने की कोशिश करना ही होगा। लेकिन श्रीलंका के नजरिए से अगर देखा जाए तो इनको 2 विकेट मिल चुकी है, यानी कि इनको जो पावर प्ले में जो विकेट चाहिए थे उतना दोस्तों आराम से इनको मतलब अब तक तो मिल चुकी है। 3 ओवर में 2 विकेट जिम्बाब्वे की चली गई हैं और अब अगला ओवर महेश तीक्ष्णा लेकर के आ रहे हैं। महेश तीक्ष्णा गेंदबाजी करेंगे अपने स्पेल का पहला ओवर और ओवर के पहली गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में खेल दिए हैं बड़ी आसानी से। 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद है लेकिन रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद, ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं है। अर्जुन जी का कहना है कि श्रीलंका का टीम जीत सकती है, 160 प्लस स्कोर बनेंगे। प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके, धीरेन्द्र जी हमारे साथ नेपाल से जुड़ चुके हैं, जीतू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस मैच में। वैसे बैटिंग करने के लिए अब सीन विलियम्स को दोस्तों बुला लिया गया है, नए बल्लेबाज सीन विलियम्स को अब यहां पर बुला लिया गया है। तो देखते हैं कि अब सीन विलियम्स और यहां पे तिनाशी ये दोनों खिलाड़ी मिल करके अब कितने रनों की जो है दोस्तों पार्टनरशिप खड़ी करते हैं। वैसे आपको बता दूं 3.2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 36 रन बन चुका है, 36 रन बन चुका है और ऊपर से 2 विकेट्स की यहाँ पर नुकसान भी रही है दोस्तों। करंट रन रेट 10.80 का नजर आ रहा है और इस बार अपील बहुत जोर से हुई है लेकिन अंपायर का कहना नॉट आउट है, अंपायर का कहना नॉट आउट है, चाहे तो रिव्यू ले सकते हैं। हालांकि देख करके लग तो रहा है कि रिव्यू नहीं लेंगे, आखिरी के 4, 3, 2 और 1 सेकेंड्स बची है, नहीं लिया, रिव्यू नहीं लिए हैं, यानी कि नॉट आउट ही रहेंगे। फिलहाल ओवर के अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं है, विकेट गिरने की वजह से दोस्तों बल्लेबाजों के ऊपर अब थोड़ा सा जो दबाव है, जो प्रेशर है वो इस वक्त नजर आ रहा है। बस ध्यान देना है कि ये प्रेशर ज्यादा ना हो, क्योंकि जितने ज्यादा डॉट गेंदे खेलेंगे उतना प्रेशर बनेगा और फिर डॉट गेंदों का भरपाई करने के लिए कुछ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे और वहां पे आसान सा कैच दोस्तों गंवा सकते हैं। इसलिए कम से कम कोशिश करना होगा कि सिंगल सिंगल ही ले, लेकिन ले बस डॉट ना खेले, क्योंकि डॉट होगी दबाव बनेगा और विकेट जा सकती है। वैसे 2 विकेट ऑलरेडी जिम्बाब्वे की इस समय गिर चुकी है। फिलहाल ओवर की 5वीं गेंद पर एक सिंगल मिली है और अब ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पे तिनाशे तैयार हैं। 3.5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 37 रन बन चुका है 2 विकेट के दोस्तों नुकसान से। आज का ये खेल, आज का ये मुकाबला आप लोग सीधा दोस्तों आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो से लाइव देख रहे हैं, कोलंबो से लाइव देख रहे हैं दोस्तों। फिलहाल ओवर की अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं है, बहुत अच्छी गेंदबाजी महेश तीक्ष्णा की तरफ से, ओवर में केवल 2 रन खर्च किए, यानी कि 4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 37 रन बन चुका है और 2 विकेट के समय नुकसान रही है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 6 गेंदों में 2 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है। हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूलन जी हमारे साथ बने हैं, अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस खूबसूरत खेल में। 4 ओवर के बाद दोस्तों जिम्बाब्वे का स्कोर 37 रन बन चुका है और 2 विकेट की यहाँ पे नुकसान रही है, यानी कि अब आगे आने वाले गेंदों का फिलहाल सामना करने के लिए स्ट्राइक पर सीन विलियम्स दोस्तों तैयार हैं। सीन विलियम्स यहां पर तैयार है। 4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 37 रन और अब गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंता चमीरा, तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा को यहां पर बुलाया जा रहा है और फिलहाल पहली गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में खेल दिया है और निकल गई गेंद दोस्तों, बाउंड्री बचा ली गई है, कंफर्म करेंगे बाउंड्री बचा ली गई है, लेकिन तब तक तेजी से दौड़ करके 3 रन पूरा कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों के बीच में, तेजी से दौड़ करके 3 रन दोस्तों पूरा किए। वैसे ओवर थ्रो की वजह से 2 एक्स्ट्रा रन यहां पर मिली हैं, तो 4.1 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 41 रन बन चुका है और 2 विकेट्स की यहां पर नुकसान रही है। ओवर थ्रो की वजह से एक्स्ट्रा रन मिला, कुल मिलाकर के बात करेंगे तो इस समय दोस्तों दुष्मंता से मेरा पहली गेंद पे 4 रन खर्च कर दिए। राजेंद्र जी का कहना है कि दुष्मंता चमीरा को विकेट दिलाओ। हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका कहना है कि कौन सी टीम जीत सकती है। देखिए जीतने की बात करेंगे तो श्रीलंका के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग कर रही है दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम,
अगर आज जिम्बाब्वे बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होती है या कम से कम 170-175 तो फिर मैच एकदम टक्कर की होगी। क्योंकि देखिए इससे पहले जो दोनों T20 मैचेस खेले गए, आपको बता दूं जो पहला T20 मुकाबला खेला गया था वहां पर भी भले ही उस मैच में श्रीलंका की टीम जीती लेकिन खेल आखिरी गेंद तक गया था। आखिरी गेंद में दोस्तों श्रीलंका रन बना करके जीती थी। उसके बाद जो पिछला मुकाबला खेला गया श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में, आपने देखा वहां पे जिम्बाब्वे ने बहुत ही बढ़िया रन चेज किया। और आज देखिए, आज भी फिलहाल अब तक तो अच्छी बैटिंग चल रही है भले ही 2 विकेट इनके गए हों। और वैसे अगली गेंद पे एक और सिंगल यहां पर मिला है। शुरुआती के 3 गेंदों में 6 रन मिल चुका है और अब ओवर की बचे 3 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर सीन विलियम्स तैयार हैं। 4.3 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 43 रन बन चुका है, 2 विकेट के यहां पर नुकसान रही है। आरडीएक्स का कहना है कि 170 के आसपास के स्कोर जो है वो नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ यहां पर अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका कहना है कि फिलहाल श्रीलंका की टीम ही जीत सकती है। और वहीं पे शत्रुघ्न पासवान जी का कहना है कि मार भाई मार। वैसे देखिए जब बेनेट बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय बैटिंग तो बड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन जैसे ही दोस्तों ब्रायन बेनेट का विकेट गया उसके बाद बल्लेबाजों की जो है थोड़ी सी मतलब परेशानी हो रही है और रनों की गति भी काफ़ी कम हो रही है। अभी की जो करेंट रन रेट है दोस्तों, अभी की जो करेंट रन रेट है वो मात्र 9.43 की है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे दर्शकों का कहना है कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ और चैट बॉक्स में भी हमने पिन कर दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे आपको टॉस प्रेडिक्शंस, मैच प्रेडिक्शंस, ड्रीम 11 की टीम सब कुछ आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको दोस्तों मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है। हालांकि ओवर के 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं है और अब अंतिम गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर खिलाड़ी बल्लेबाज तैयार हैं। तिनाशे की बात करेंगे तो ये पहले T20 मैच में दोस्तों 26 रन बनाए थे, दूसरे T20 मैच में केवल 12 रन बनाए और आज अब तक 9 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन अपने टीम के लिए बना चुके हैं। फिलहाल ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर खड़े हैं। मोहम्मद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन जी का कहना है कि विकेट लेना पड़ेगा। राजेंद्र जी का कहना है कि आज श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। साथ ही साथ दिलीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और राधा कांत जी का कहना है कि टेलीग्राम आपका ओपन नहीं हो रहा है। देखिए लिंक जो मैंने आपको दी है इस पर क्लिक करके ज्वाइन करें, क्योंकि यही लिंक है और ये प्राइवेट लिंक है तो मैंने आप सभी को दे दिया, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं दोस्तों वीडियो के साथ, तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करें। मैंने अभी एक और लिंक आप सभी को दिया है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पर अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। साथ ही साथ अब पावर प्ले के आखिरी ओवर की शुरुआत होने वाली है। 5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 45 रन बन चुका है। देखिए रन अभी भी देखा जाए तो रन रेट 9 की है, बस ध्यान देना है कि इन दोनों बल्लेबाजों को थोड़ी रनों की गति इंक्रीज करना होगा। और लगी बाउंड्री पहली ही गेंद पर दोस्तों, 4 रनों के लिए खेल दिया। महेश तीक्षणा गेंदबाजी करने आए हैं और पहली गेंद पे तिनाशा के बल्ले से ये खूबसूरत बाउंड्री और ये खूबसूरत चौका। ओवर की शुरुआत रही दोस्तों, पहली गेंद की शुरुआत एक चौके से रही है। मौका पाते ही गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए खेल दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर है, पहली गेंद पे बाउंड्री लगी है तो कहीं ना कहीं अब इस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील करने की कोशिश करना होगा, आपको बता दूं। और चौके के तुरंत बाद एक सिंगल की मदद से स्ट्राइक को तुरंत दोस्तों रोटेट कर लिए हैं। शुरुआती के 2 गेंदों में 5 रन मिल चुका है और अब ओवर की बचे 4 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर सीन विलियम्स तैयार हैं। देखिए सीन विलियम्स की बात करेंगे तो अभी तक इनके बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं लगी है और इनका स्ट्राइक रेट भी इस समय काफ़ी कम है। आपको बता दूं मात्र 116 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन इनको अपना रनों का जो गति है दोस्तों उसे इनक्रीज करना ही पड़ेगा। फिलहाल अगली गेंद पर भी एक और सिंगल मिली है और अब ओवर की बचे हुए 3 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर एक बार फिर से तिनाशा तैयार हैं। बल्लेबाज फिलहाल 1-1 रन से दोस्तों स्कोर कार्ड को आगे
चला रहे हैं और इस बार अपील बहुत जोर से हुई है, अपील बहुत जोर से हुई है। अंपायर का कहना दोस्तों नॉट आउट है, DRS का टाइमर चल रहा है और रिव्यू ले लिया गया है, रिव्यू यहां पर ले लिया गया है। तो देखते हैं कि अब जाकर के टीवी अंपायर का क्या फैसला होता है। रिव्यू इस समय ले ली गई है दोस्तों, रिव्यू इस समय ले ली गई है और अब टीवी अंपायर का जो फैसला है वो निकल करके आना बाकी है। देखते हैं आखिरी फैसला और आखिरी निर्णय जो है दोस्तों वो क्या होता है, क्या ये विकेट होगी या फिर नॉट आउट रहेंगे। टीवी अंपायर जो है दोस्तों इस समय बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं। बॉलिंग रिव्यू लिया जा चुका है, 5.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 51 रन बन चुका है, 2 विकेट के नुकसान रही और इस तीसरे विकेट के लिए रिव्यू लिया गया है। वैसे अंपायर का कहना तो नॉट आउट है, वैसे आपको बता दो टप्पा खाने के बाद बल्ले के निचली तरफ से गेंद गई है, निचले हिस्से में लग करके गेंद गई है, वैसे लगी है या नहीं लगी है इसी चीज की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और लगी है, आपको बता दूं लगी है, एज लगा है और विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, यानी कि मिली सफलता। तीसरा विकेट जिम्बाब्वे का दोस्तों गिर चुका है, तीसरा विकेट जिम्बाब्वे का गिर चुका है। आपको बता दूं 5.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 51 रन बन चुका है और यह 3 विकेट के दोस्तों नुकसान रही। बल्लेबाज तिन्नाशे 14 गेंदों में 12 रन बना करके वापस पवेलियन लौट रहे हैं। महेश तीक्षणा की ये गेंदबाजी पावर प्ले के आखिरी ओवर में विकेट चटकाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 5.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 51 रन बन चुका है। कुशल मेंडिस, विकेट कीपर कुशल मेंडिस ने दोस्तों कैच को पकड़ लिया। राधाकांत जी का कहना है कि टेलीग्राम आपका ओपन नहीं हो रहा है। देखिए टेलीग्राम के लिंक तो मैंने आप सभी को चैट बॉक्स में दे दिए हैं और वही लिंक से आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम वगैरह पे। हालांकि मैं आप सभी को एक और लिंक देता हूँ, आप इस वाले लिंक से ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर इससे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल है आपके लिए। देखिए मैंने अभी एक और लिंक आप सभी को चैट बॉक्स में दे दिया है, कमेंट कर दिया, इस पर क्लिक करके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अब नए बल्लेबाज आए हैं सिकंदर रजा, यानी कि अब सिकंदर रजा और सीन विलियम्स, इन दोनों बल्लेबाजों को मिलकर के दोस्तों पार्टनरशिप यहाँ पर खड़ी करनी होगी। वैसे आपको बता दूं तो 5.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर इस समय 51 रन जो है बन चुका है और 3 विकेट की नुकसान रही है और अगली ही गेंद पर सिकंदर रजा बड़ी आसानी से एक सिंगल की मदद से स्ट्राइक चेंज कर लिए हैं और अब ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर सीन विलियम्स तैयार हैं। 5.5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 52 रन बन चुका है, 3 विकेट के नुकसान रही है। श्रीलंका की टीम दोस्तों इस समय फिलहाल मजबूत नजर आ रही है, लगातार विकेटें जा रही हैं जिम्बाब्वे की। और फिलहाल ओवर की अंतिम गेंद पे कोई रन नहीं है, एक और दोस्तों डॉट वाली गेंद, यानी कि ओवर में कुल मिलाकर के 7 रन मिला है और अब 6 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 52 रन बन चुका है और ऊपर से 3 विकेट की यहां पर नुकसान रही है, यानी कि अब आगे आने वाले गेंदों का फिलहाल सामना करने के लिए स्ट्राइक पर एक बार फिर से खिलाड़ी सिकंदर रजा दोस्तों तैयार हैं। 6 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 52 रन बन चुका है और ऊपर से 3 विकेट की नुकसान रही है। सिकंदर रजा और सीन विलियम्स, सिकंदर रजा और सीन विलियम्स, इन दोनों बल्लेबाजों को मिलकर के अब अपनी टीम के लिए एक पार्टनरशिप खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अब अगर अब साझेदारी दोस्तों नहीं बनी तो फिर जिम्बाब्वे के लिए बड़ा स्कोर बनाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सिकंदर रजा और सीन विलियम्स, इन दोनों में से कोई भी बल्लेबाज अगर आउट होता है तो आगे आपको क्लीव मडांडे की बैटिंग मिलेगी, बाकी उनके बाद जितने भी दोस्तों खिलाड़ी हैं सबके सब गेंदबाज ही हैं, वेलिंगटन मसाकाजा, ब्लेसिंग मुजरा बनी, ल्यूक जोंगवे, तो सबके सब दोस्तों गेंदबाज है, इसलिए किसी भी हर हालत में इन दोनों बल्लेबाजों को टिक करके खेलना जरूरी है। वैसे सिकंदर रजा पहले T20 मैच में बहुत अच्छी बैटिंग किए थे, 42 गेंदों में 62 रन दोस्तों बनाए थे, लेकिन दूसरे T20 मैच में केवल 8 रन पर आउट हो गए और आज तीसरा T20 मुकाबला चल रहा है
तो देखते हैं आज कितने रन बनाएंगे। बाकी सीन विलियम्स तीनों T20 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, पहले में 14 रन, दूसरे में 1 रन और आज तीसरा T20 मुकाबला चल रहा है, तो देखते हैं कितने रन बना पाएंगे। मोहम्मद खान जी का कहना है कि 160-65 से ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मोहम्मद एनिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस मैच में। राजेंद्र जी का कहना है कि चमेरा को विकेट दिलाओ। वैसे दुश्मनता चमेरा की बात करेंगे तो मतलब गेंदबाजी तो अच्छी चल रही है, बस इनको विकेट अब तक नहीं मिला है। 6 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे हैं और ओवर में अब तक 2 गेंदे फेंकी जा चुकी हैं और दोनों के दोनों गेंदे इस वक्त डॉट नजर आ रही है और अब ओवर की बचे 4 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर रजा तैयार है दोस्तों। और इस बार थोड़ी तीखी बाउंसर, बल्लेबाज थोड़ा नीचे झुक गए और गेंद उनके ऊपर से चली गई है सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। कुशल मेंडिस आज विकेट कीपर के रूप में खेल रहे हैं। 3 लगातार डॉट वाली गेंदें हमें यहां पर नजर आ रही है और अब ओवर की बचे 3 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर सिकंदर रजा तैयार हैं। 6.5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 52 रन बन चुका है दोस्तों और 3 विकेट के नुकसान के साथ। बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप की तलाश रहेगी, इस वक्त बिल्कुल भी साझेदारी बल्लेबाजों के बीच में नहीं बन पा रही है। 5 गेंदों में केवल 1 रनों की एकदम छोटी सी पार्टनरशिप अब तक बनी है और अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं है, अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं है। एक और डॉट गेंद का इशारा, और अब ओवर की बचे 2 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर अभी भी दोस्तों सिकंदर रजा बिल्कुल तैयार हैं। 6 गेंदों में मात्र 1 रनों की साझेदारी बनी है, पार्टनरशिप को इंक्रीज करना होगा और कुछ तेजी से रन बनाने की आवश्यकता रहेगी। दुश्मनता चमीरा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को बिल्कुल भी दोस्तों रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं। फिलहाल ओवर की 5वीं गेंद और इस बार बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर के बगल से निकल गई दोस्तों बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी और उसको बाहर ही भेज दिया, उसको बाहर ही भेज दिया, 4 रनों के लिए निकल गई और ये खूबसूरत बाउंड्री नजर आ रही है काफी समय के बाद। लेकिन ये बाउंड्री दोस्तों लगी है दुश्मनता चमीरा के गेंदों पर सिकंदर रजा के बल्ले से। और अब ओवर की अंतिम गेंद लेकर के आ रहे हैं, हालांकि एक बार फिर से दोस्तों गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे इस बार सिंगल ही मिलेगी, यानी तो अपने पास रख लिए हैं, यानी कि ओवर में कुल मिलाकर के 5 रन मिला और अब 7 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 57 रन बन चुका है और ऊपर से 3 विकेट्स की यहाँ पर नुकसान हुई है, यानी कि अब आगे फिलहाल आने वाले गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आपको सिकंदर रजा देखने को मिलेंगे। 8 गेंदों में 6 रनों की साझेदारी बन चुकी है, करंट रन रेट 8.14 की नजर आ रही है और अगर इसी रन रेट से अंत तक बल्लेबाजी होती है तो 160 से अधिक रन बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों रन रेट में गिरावट आती है तो फिर 150 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा जिम्बाब्वे के लिए। वैसे अब तक जितने भी मैचेस मतलब जो 3 मुकाबले पिछले के खेले गए हैं उनमें दोस्तों सबसे हाईएस्ट स्कोर 178 बनी थी दूसरे T20 मैच में जब जिम्बाब्वे की टीम चेज कर रही थी पिछले मैच में, यानी कि इस मैदान पे बन सकते हैं 180-190 या कम से कम 175 के आसपास की स्कोर बनाई जा सकती है। और अब गेंदबाज बदल चुका है, 8वें ओवर की शुरुआत हो रही है और गेंदबाजी के लिए वनिंदो हासरंगा कैप्टन आए हैं दोस्तों, वनिंदो हासरंगा गेंदबाजी करेंगे। स्पिनर गेंदबाज हैं, विकेट निकालना जानते हैं। आपको बता देना चाहूँगा वनिंदो हासरंगा की बात करेंगे तो ये पहले T20 मैच में 2 विकेट निकाले थे, दूसरे T20 मैच में 1 विकेट निकाले थे और आज तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है और देखते आज के इस मैच में वनिंदो हासरंगा अपनी टीम को क्या विकेट दिला पाएंगे। वैसे पहली ही गेंद पर सिकंदर रजा बड़ी आसानी से दोस्तों एक सिंगल के लिए खेल दिए हैं। ओवर की पहली गेंद की शुरुआत एक सिंगल से रही है और अब ओवर के
बचे हुए 5 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक, सिंगल नहीं बल्कि इस बार 2 रन मिला, हल्का सा ओवर थ्रो हुआ और तेजी से दौड़ करके 2 रन दोस्तों पूरा कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट खिलाड़ियों के बीच में। और अगली गेंद पे एक सिंगल की मदद से स्ट्राइक तुरंत दोस्तों चेंज कर ली है। शुरुआती के 2 गेंदों में 3 रन मिल चुका है और अब बचे 4 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर सेन विलियम्स तैयार हैं। 7.2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 60 रन बन चुका है और ऊपर से 3 विकेट की नुकसान रही है। सेन विलियम्स 8 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बना चुके हैं और सिकंदर रजा दोस्तों 9 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बना चुके हैं और एक खूबसूरत बाउंड्री हमें इनके तरफ से देखने को मिला है। फिलहाल अगली गेंद पर भी एक और सिंगल नजर आ रही है दोस्तों। मौका पाते ही लगातार इस समय एक एक रन से स्कोर कार्ड को आगे चलाते हुए 61 के स्कोर पर जिम्बाब्वे की टीम पहुंच चुकी है और करेंट रन रेट 8.13 की फिलहाल नजर आ रही है। अगली गेंद और इस बार भी सिंगल मिलेगा, पॉइंट कवर के क्षेत्र में गेंद को खेल दिए, आसानी से तेजी से दौड़ करके इस समय एक सिंगल निकाल ली गई है। बल्लेबाज इस वक्त बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा रहे हैं, संभल संभल कर एक एक रन से स्कोर कार्ड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस समय अगर जिम्बाब्वे के नजरिए से देखा जाए तो इनके लिए अभी जरूरी यही है कि पार्टनरशिप खड़ी कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा देर तक खेलेंगे और जितनी बड़ी पार्टनरशिप बनेगी उतना बड़ा स्कोर बनने की दोस्तों संभावना होगी, क्योंकि ऑलरेडी जिम्बाब्वे के 3 विकेट गिर चुकी है और अगर इन दोनों बल्लेबाजों में कोई भी खिलाड़ी आउट होता है तो आगे क्लीव मडांडे हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, बाकी इनके अलावा दोस्तों कोई भी खिलाड़ी जो है रन नहीं बना पाएगा। इसलिए किसी भी हर हालत में यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके और टिक करके इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा। और इस बार अपील बहुत जोर से हुई है, अपील हुई है, अंपायर का कहना दोस्तों नॉट आउट है। एक बार फिर से DRS की टाइमर चल रही है और क्या यहाँ पे वनिंदो हासरांगा रिव्यू लेंगे? DRS की टाइमर चल रही है, वैसे देख करके लग तो रहा है कि रिव्यू नहीं लेंगे, यानी कि नतीजा और जो फैसला है वो नॉट आउट ही रहेगा। 8 ओवर के बाद दोस्तों जिम्बाब्वे का स्कोर 63 रन बन चुका है। करेंट रन रेट में अब थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल रहा है, करेंट रन रेट 7.88 की फिलहाल नजर आ रही है। आठ ओवर का खेल हो चुका है और अब अगर बात करेंगे तो गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दिलशान मधुशंका को बुलाया गया है। दिलशान मधुशंका पिछले ओवर में 18 रन खर्च किए थे शुरुआत में जब गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले में, लेकिन अब देखते हैं कि इस ओवर में कैसी गेंदबाजी रहती है। वैसे अब आपको बता दूं तो गेंदबाजी अच्छी हो रही है, फिलहाल पहली गेंद पे सेन विलियम्स आसानी से 1 रन दोस्तों बटोर लिए हैं। ओवर की पहली गेंद की जो शुरुआत हुई है वो एक सिंगल से रही है और अब ओवर के बचे हुए 5 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर एक बार फिर से सिकंदर रजा दोस्तों तैयार हैं। 8.1 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 64 रन बन चुका है। सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन कुमार जी हमारे साथ बने हैं, मोहम्मद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस मैच में। आप लोग हमें दोस्तों चैट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि और ये लीजिए यहाँ पे विकेट गिर चुका है, एक आसान सा कैच सिकंदर रजा दोस्तों खिलाड़ी को दे बैठे, बाउंड्री लाइन के पास खिलाड़ी खड़े थे और उन्होंने कैच को पकड़ लिया, विकेट गिर चुकी है दोस्तों, सफलता मिली। 8.2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 64 रन और ये चौथा विकेट गिर चुका है। दिलशान मधुशंका एक विकेट निकालने में कामयाब रहे। भरत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद नईम भाई हमारे साथ बने हैं, लवर सायरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस मैच में। विकेट गिर चुकी है दोस्तों, सिकंदर रजा की बात करेंगे
तो एकदम आसान सा कैच महेश तिक्षणा को दे दिए, मतलब ऐसा हाथ में दे दिए कि लो भाई कैच पकड़ लो। और चलिए ये विकेट गिर गई, चौथा विकेट जिम्बाब्वे का गिर चुका है और अब श्रीलंका की टीम धीरे धीरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। वैसे आज यह फाइनल मैच है दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि आज के इस मैच में दोनों ही टीमों में जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ट्रॉफी उन्हीं के पास चली जाएगी, सीरीज उनके नाम हो जाएगा। हालांकि मोहम्मद खान जी का कहना है कि अब 140-150 बनाना भी मुश्किल होने वाला है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि ऑलरेडी 4 विकेट जिम्बाब्वे का गिर चुका है और अभी काफी सारे ओवर बचे हैं, ये 9वां ओवर ही चल रहा है। और विकेट के तुरंत बाद दोस्तों एक और डॉट गेंद। वैसे अब टॉनी मुनियोंगा को बैटिंग के लिए बुलाया गया है, तो देखते हैं कि टॉनी मुनियोंगा और सीन विलियम्स इन दोनों बल्लेबाजों के बीच आखिरकार कितने रनों की पार्टनरशिप बनती है। टॉनी मुनियोंगा और सीन विलियम्स, 9वां ओवर फेंका जा रहा है, ओवर में अब तक 3 गेंदे फेंकी जा चुकी है और इस 3 गेंदों में दोस्तों केवल 1 रन मिला और ऊपर से 1 विकेट भी गई है। फिलहाल ओवर के चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं है, एक और डॉट गेंद। और अब ओवर के बचे 2 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर टॉनी मुनियोंगा तैयार है। लवकुश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नईम जी हमारे साथ बने हैं। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस खूबसूरत खेल में। फिलहाल इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दोस्तों गेंद को खेल दिया गया है और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तेजी से दौड़ करके इस बार 1 सिंगल यहाँ पर बटोर लिया गया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों के बीच में। टॉनी मुनियोंगा 1 सिंगल की मदद से अपना खाता खोल चुके हैं और ओवर की अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर सीन विलियम्स दोस्तों तैयार हैं। और आपको बता दूं तो ओवर में कुल मिलाकर के 4 रन मिला, 9 ओवर के बाद दोस्तों 67 रन और 4 विकेट के नुकसान रही है। यहाँ पे आरडीएस का कहना है कि बस एक और विकेट अगर आ जाती है तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी और 120 के नीचे ही बन पाएगा। लवर सरी का भी यही कहना है कि 120 तक जा सकती है। और आपको बता देना चाहूंगा कि इस वक्त दोस्तों वैसे तो अब 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुकी है और अगर अब इन दोनों बल्लेबाजों में कोई भी खिलाड़ी आउट होता है तो आगे आपको क्लीव मडांडे की बैटिंग मिलेगी, वेलिंगटन मसकाजा की बैटिंग मिलेगी, ग्लेसिंग मुजराबनी की बैटिंग मिलेगी, ल्यूक जोंगवे और रिचर्ड नगरावा आपको आगे खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आगे दोस्तों ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज ही बचे हैं, तो अब इन दोनों बल्लेबाजों को कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए, जितना देर हो सके क्रीज पर रहना होगा और एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करना होगा। 9.1 ओवर के बाद 68 रन और अब वनिंदो हासरांगा एक बार फिर से दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं। पिछले ओवर में केवल 6 रन खर्च किए थे, देखते हैं इस ओवर में कैसी गेंदबाजी रहती है। फिलहाल अगली गेंद को एक और सिंगल के लिए खेल दिए, बल्कि यह भी कैच ड्रॉप रहा है, आज के दिन का ये दूसरा कैच ड्रॉप दोस्तों श्रीलंका की टीम की तरफ से। वैसे पहला वाला कैच तो थोड़ा मुश्किल सा था, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी कैच ड्रॉप रहा। कॉट एंड बोल्ड का मौका था, मतलब गेंदबाज ने ही खुद ड्रॉप किया है, थोड़ा मुश्किल था क्योंकि स्ट्रेट दोस्तों जैसे ही गेंदबाजी किए तुरंत सामने गेंदबाज के पास दोबारा गेंद आ गई और वो पकड़ नहीं पाए, उनके उंगलियों में थोड़ा चोट लग गया। और इस बार एक और सिंगल के लिए खेल दिए हैं, वैसे इस बार 2 रन लेने की कोशिश तो करेंगे और पूरा भी कर लिए।
यानी कि शुरुआती के तीन गेंदों में चार रन मिला और अब ओवर की बचे तीन गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पे टॉनी मुनियोंगा दोस्तों तैयार हैं। आपको बता दूं पिछला विकेट सिकंदर रजा का गया था जो 12 गेंदों में 10 रन बनाकर के आउट हुए। पिंकू राज जी का कहना है कि 150 तक की बननी चाहिए। चंद्रा जी का कहना है कि 143 तक बन सकती है। पप्पू प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खेल में। फिलहाल एक बार फिर से विकेट का मौका और मिला दोस्तों विकेट, कमाल की कैच और कमाल के गेंदबाजी वनिंदो हासरांगा को एक सफलता मिला और ये पांचवा विकेट दोस्तों जिम्बाब्वे का गिर चुका है। कमाल की फील्डिंग, जिस तरीके से आगे के तरफ मिडाउन के पास खड़े थे और आगे के तरफ दोस्तों डाइव करके कैच को पकड़ा है, वाकई में बहुत खूबसूरत फील्डिंग हमें यहां पर श्रीलंका के खिलाड़ियों की तरफ से नजर आ रही है। जिम्बाब्वे का यह पांचवा विकेट गिर चुका है 9.4 ओवर के बाद 71 रन और यह पांचवा विकेट इस समय गिर चुका है। और अब बल्लेबाजी करने के लिए एक नए बल्लेबाज को बुलाया जा रहा है। कमाल की फील्डिंग दोस्तों सिल्वा की तरफ से। धनंजय डी सिल्वा ने कैच को पकड़ लिया और यह विकेट मिल गई। पांचवा विकेट जिम्बाब्वे का गिर चुका है। टॉनी मुनियोंगा आज के इस मैच में 6 गेंदों में केवल 4 रन बना करके वापस पवेलियन लौट रहे हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए एक नए बल्लेबाज को बुलाया जा रहा है दोस्तों। अब आपको बता दूं तो ये लगातार विकेट गिरने की वजह से टीम के ऊपर परेशानियां और भी बढ़ती ही चली जा रही है। पप्पू डॉन का कहना है कि 100 रन पे ऑल आउट हो सकती है पूरी टीम। 5 विकेट तो अब गिर चुकी है, मतलब ऊपर के जो टॉप ऑर्डर के जो 5 बल्लेबाज थे वो सब के सब अब आउट हो चुके हैं दोस्तों। टॉप ऑर्डर के सारे बल्लेबाजों की विकेटें गिर गई हैं और अब सेन विलियम्स आ रहे हैं सामना करने के लिए, मतलब नए बल्लेबाज क्लीव मडांडे आए हैं लेकिन स्ट्राइक पे सेन विलियम्स खड़े हैं। और चलिए अंतिम गेंद पे भी सिंगल की मदद से स्ट्राइक रोटेट कर ली है। ओवर में कुल मिलाकर के 6 रन मिला, 1 विकेट भी गई और अब 10 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 73 रन बन चुका है, 5 विकेट की नुकसान रही है और अब आखिरी के 10 ओवर का दोस्तों खेल बचा हुआ है। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से खेल हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और फिलहाल अब गेंदबाजी के लिए स्पिनर गेंदबाज धनंजय डी सिल्वा को बुलाया जा रहा है। स्पिनर गेंदबाज दोस्तों धनंजय डी सिल्वा आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि धनंजय डी सिल्वा की तरफ से कैसे गेंदबाजी होती है। 11वें ओवर की शुरुआत हो रही है और गेंदबाजी के लिए धनंजय डी सिल्वा आए हैं। स्ट्राइक पे अब सीन विलियम्स खड़े हैं जो 15 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन बना चुके हैं और बाउंड्री इनके बल्ले से अब तक एक भी नहीं लगी है। आपको बता दो सीन विलियम्स के बल्ले से अब तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी है और 10.2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का जो स्कोर है दोस्तों ये 73 रन बन चुका है और ऊपर से 5 विकेट की नुकसान भी हो चुकी है। यानी कि ओवर दोस्तों इस समय बात किया जाए तो श्रीलंका की टीम इस मैच में अपनी पकड़ धीरे धीरे और मजबूत कर रही है और विकेट ये देखिए स्पिनर गेंदबाज धनंजय डी सिल्वा एक और विकेट निकाल लिए हैं, कॉट एंड बोल्ड, खुद ही गेंदबाजी की है, खुद ही कैच को पकड़ लिए है। आत्मनिर्भर धनंजय डी सिल्वा, ये दूसरे के ऊपर दोस्तों निर्भर नहीं होते हैं, खुद ही गेंदबाजी करते हैं, खुद ही कैच को भी पकड़ लिए है। कमाल की
यहाँ पे गेंदबाजी और फील्डिंग धनंजय डी सिल्वा के तरफ से। सेन विलियम्स डाउन द ग्राउंड खेलने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन एकदम आसान सा कैच जो है दोस्तों खिलाड़ी को दे बैठे और ये विकेट यहां पर मिला और ये सफलता मिला। छठा विकेट जिम्बाब्वे का गिर चुका है सेन विलियम्स के रूप में। सेन विलियम्स आज 17 गेंदों का सामना किए और 15 रन बना करके वापस पवेलियन लौट चुके हैं। बिल्कुल भी अपने टीम के लिए आज लंबी और बड़ी पारी जो है नहीं खेल पाए और ये सफलता जो है दोस्तों इस वक्त टीम को मिल चुका है। श्रीलंका के गेंदबाज एक के बाद एक जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को आउट कर रहे हैं और जिम्बाब्वे को बिल्कुल भी आज रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं दोस्तों। इनके ऊपर दबाव और प्रेशर अब बनता ही चला जा रहा है और अब बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं, ल्यूक जोंगवे। अब क्लीव मडांडे और ल्यूक जोंगवे, इन दोनों बल्लेबाजों को मिलकर के पारी को संभालना पड़ेगा। वैसे अब तक ओवर में 4 गेंदें फेंकी गई हैं और इन 4 गेंदों में कोई रन नहीं है और ऊपर से एक विकेट भी दोस्तों चली गई है। 10.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 73 रन बन चुका है। और अब ओवर के अंतिम गेंद का फिलहाल सामना करने के लिए स्ट्राइक पर खड़े हैं, हालांकि इस बार भी कोई रन नहीं है, यानी कि एक और डॉट वाली गेंद जो है दोस्तों नजर आ रही है। आपको बता देना चाहूंगा कि डॉट नहीं बल्कि सिंगल मिला अंतिम गेंद पे, एक रन बटोर करके स्ट्राइक को अपने पास रख लिए हैं, यानी कि 11 ओवर के बाद अब जिम्बाब्वे का स्कोर 74 रन बन चुका है और 6 विकेट के इस वक्त दोस्तों नुकसान रही है। क्लीव मडांडे एक गेंदों का सामना करते हुए 1 रन अपने टीम के लिए बना चुके हैं और ल्यूक जोंगवे की बात करेंगे तो ये 3 गेंदों का सामना करते हुए केवल 1 रन दोस्तों अपने टीम के लिए बनाए हैं। और फिलहाल अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से वनिंदो हासरांगा को बुलाया जा चुका है। वनिंदो हासरांगा ओवर की शुरुआत रही, पहली गेंद एक सिंगल मिलेगा। ओवर की पहली गेंद की शुरुआत दोस्तों एक सिंगल से रही है। राजेंद्र जी का कहना है कि लगता है 100 भी नहीं बनेंगे। वैसे 75 और इस बार भी अपील हुई है बहुत जोर से, अंपायर का कहना जो है दोस्तों ये नट आउट है, DRS के टाइमर चल रही है। वनिंदो हासरांगा खुद ही टीम के कैप्टन है तो चाहे तो रिव्यू ले सकते हैं। आखिरी के 8 सेकंड्स बची है, 6 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2 और 1, ले लिया रिव्यू, आखिरी सेकंड में दोस्तों रिव्यू ले लिए हैं और अब देखते हैं कि TV अंपायर का जो फैसला है वो क्या होता है, क्या ये विकेट होगी या फिर दोस्तों नॉट आउट रहेंगे। बॉलिंग रिव्यू यहां पर ले ली गई है और अब TV अंपायर का फैसला जो है दोस्तों ये निकल करके आना बाकी है। 11.2 ओवर का खेल हो चुका है और 11.2 ओवर के बाद 75 रन जिम्बाब्वे की बनी है और ऊपर से 6 विकेट का भी नुकसान रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं तो रिव्यू ले लिया गया है और अब देखते हैं TV अंपायर का क्या फैसला होता है, क्या यह विकेट होगी या नट आउट रहेंगे। वैसे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी अंदर की तरफ लहराई है, बस चेक ये करेंगे कि क्या बल्ले गेंद के बीच में कोई संपर्क बनी है और उसके बाद दोस्तों ये भी चेक करना पड़ेगा कि बॉल की ट्रैकिंग क्या कहती है। वैसे टप्पा खाने के बाद पिचिंग ऑफसाइड ऑफ है, इम्पैक्ट इन लाइन है और विकेट मिसिंग होने की वजह से जो फैसला है दोस्तों ये नॉट आउट ही निकल करके आया है, यानी कि नतीजा अभी भी जिम्बाब्वे के पक्ष में, नतीजा अभी भी दोस्तों जिम्बाब्वे के पक्ष में आई है। 11.2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 75 रन बन चुका है और ऊपर से दोस्तों 6 विकेट की अब तक नुकसान रही है और वहीं अगली ही गेंद को खेल दिया एक और सिंगल के लिए। ल्यूक जोंगवे और क्लीव मडांडे
इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में फिलहाल 6 गेंदों में 3 रनों की पार्टनरशिप नजर आ रही है। छोटी सी साझेदारी दोस्तों। पिछला विकेट सीन विलियम्स का था जो 17 गेंदों में 15 रन बना करके आउट हुए। वैसे इस समय श्रीलंका की टीम दोस्तों शुरू से ही फेवरेट चल रही है, हालांकि इस बार गेंद को फाइन लेग की तरफ खेल दिए लेकिन रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद 83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है दोस्तों इस वक्त गेंदबाजी हो रही है। पिंकू राज जी का कहना है कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो 120 के ऊपर नहीं जा पाएगी। सनम पायल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीष सक्सेना जी का कहना है कि 100 के आसपास स्कोर बन सकते हैं। हालांकि वरिंदो हासरंगा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार एक और डॉट गेंद देखने को मिला। और अब ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर दोस्तों ल्यूक जोंगवे तैयार हैं। 11.5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 76 रन बन चुका है और ऊपर से 6 विकेट के नुकसान रही है। और इस बार भी कमाल की फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के बाहर खेलना चाहते थे लेकिन एक आसान सा कैच खिलाड़ी को दे बैठे। और ल्यूक जोंगवे 7 गेंदों में 2 रन बना करके वापस लौट रहे हैं दोस्तों। एक और विकेट गिर चुकी है वनिंदो हासरंगा की तारीफ करनी होगी। कमाल की गेंदबाजी और कमाल की फील्डिंग यहां पे टीम की तरफ से दोस्तों। 12 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 76 रन बन चुका है और ये 7वां विकेट इस वक्त गिर चुका है। आगे की तरफ दोस्तों डाइव करते हुए कैच को पकड़ लिया और ये विकेट गिर गई और ल्यूक जोंगवे आउट हो चुके हैं। दिलशान मधुशंका ने कैच को पकड़ लिया दोस्तों। वनिंदो हासरंगा की गेंदबाजी, दिलशान मधुशंका ने कैच को पकड़ लिया और ल्यूक जोंगवे 7 गेंदों में 2 रन बना करके वापस लौट रहे हैं पवेलियन की तरफ। 12 ओवर का खेल हो चुका है, आखिरी के 8 ओवर बची है और 3 विकेट इनके पास बचे हैं। क्या लगता है आपको, पूरा 20 ओवर खेल पाएगी जिम्बाब्वे की टीम या पहले ही दोस्तों ऑल आउट हो जाएगी? कमेंट करते हुए आप लोग हमें इस वक्त जरूर बताइएगा। फिलहाल ओवर की अगली गेंद और सिंगल मिलेगी। यहां पर मोहम्मद खान जी का कहना है कि 90 रन पर टीम अलाउट हो सकती है, 18 ओवर के अंदर अलाउट हो सकती है। हालांकि अब 13वें ओवर की शुरुआत हुई है। वेलिंगटन मसाकाजा आए हैं दोस्तों, नए खिलाड़ी वेलिंगटन मसाकाजा आए हैं। तो अब देखते हैं कि वेलिंगटन मसाकाजा और क्लीव मडांडे ये दोनों खिलाड़ी मिलकर के किस तरीके से अब पारी को जो है संभालेंगे। वैसे आपको बता दूं तो दोनों बैट्समैन के बीच में अब एक बार फिर से साझेदारी तो बनानी ही पड़ेगी। वैसे इस समय 1 गेंदों में केवल 1 रनों की जो है पार्टनरशिप बनी है। और ओवर की दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं है दोस्तों, एक और डॉट गेंद का इशारा। और फिलहाल अगली गेंद को लेकर के आ रहे हैं, इस बार भी कोई रन नहीं है। ओवर में अब तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है और इन 3 गेंदों में आपको बता दूं तो 1 सिंगल्स और 2 डॉट हमें देखने को मिला है। और फिलहाल ओवर की अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं है, एक और डॉट गेंद। और अब ओवर के बचे हुए 2 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर
एक बार फिर से खिलाड़ी तैयार है। वैसे आपको बता दूं, दोनों बैट्समैन के बीच में कुल मिलाकर के 5 गेंदों में 3 रनों की पार्टनरशिप दोस्तों बनी है। और इस बार गेंद हवा में गई है बहुत ऊपर, लेकिन दूर नहीं गई, नो मैन्स लैंड पर गेंद गिरा। और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, इस बार तेजी से दौड़ करके 2 रन बटोर लिया गया है, यानी कि ओवर में कुल मिलाकर के 5 रन मिले 13 ओवर के बाद। जिम्बाब्वे का स्कोर 81 रन बन चुका है और 7 विकेट के नुकसान रही है दोस्तों। बल्लेबाजों के बीच में 6 गेंदों में 5 रनों की एक छोटी सी साझेदारी बनना शुरू हुआ है। वैसे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अगर कोई आउट होता है तो आगे आपको ब्लेसिंग मुजराबनी की बैटिंग मिलेगी और रिचर्ड नगरावा की बैटिंग मिलेगी। अभी 2 ही बल्लेबाज इनके पास और बचे हुए हैं। क्लीव मडांडे केवल 4 रन बनाए हैं और वेलिंगटन मसाकाजा 4 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन अब तक बना चुके हैं दोस्तों। अर्जुन जी का कहना है कि आपको क्या लगता है, 110 से प्लस नहीं, 110 प्लस नहीं चाहिए? देखिए, इस वक्त अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी 81 रन बन चुका है, तो कम से कम दोस्तों अगर ये दोनों बल्लेबाज खेलते हैं और जिस स्पीड से बल्लेबाजी चल रही है, करंट रन रेट 6.51 का है, और अगर इसी स्पीड से अंत तक बल्लेबाजी चलती है तो 115 तक की स्कोर बन सकती है। लेकिन वही बात है कि अगर बीच बीच में डॉट गेंदे आते हैं या विकटें जाती हैं तो फिर मुश्किल होगा टीम के लिए। बाकी अगर ये दोनों बल्लेबाज अंत तक खेल गए या अंत तक टीम खेल गई पूरा का पूरा 20 ओवर तक, तो 115-120 के आसपास की स्कोर बनाई जा सकती है। फिलहाल अगली गेंद पर अपील बहुत जोर से हुआ है, अंपायर का कहना नॉट आउट है। वनिंदो हासरंगा गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर का कहना नॉट आउट है। वैसे गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है और अगर इसी तरीके से गेंदबाजी चलता रहा तो लग रहा है मानो टीम जो है दोस्तों ऑल आउट हो सकती है, ऑल आउट होने का पूरा चांस है। 7 विकेट ऑलरेडी इस समय जिम्बाब्वे का गिर चुका है। और फिलहाल ओवर की अगली गेंद पर भी एक और सिंगल मिली है। और अब ओवर की बचे हुए 2 गेंदों का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर एक बार फिर से दोस्तों वेलिंगटन मसाकाजा तैयार हैं। 13.4 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 82 रन बन चुका और इस बार भी अपील हुई है। हालांकि अभी भी अंपायर का कहना दोस्तों नॉट आउट ही है, रिव्यू क्या लेंगे। और विकेट है दोस्तों, लेकिन बल्लेबाज अगर चाहे तो रिव्यू ले सकता है। ये आखिरी फैसला जो है दोस्तों, ये विकेट निकल करके आई है, आखिरी फैसला विकेट है और बैटिंग रिव्यू ले लिया गया है। और अब टीवी अंपायर का फैसला देखते हैं क्या होता है, देखते हैं टीवी अंपायर का आखिरी फैसला जो है दोस्तों वो क्या होता है। बैटिंग रिव्यू इस समय ले लिया गया है। तेरह दशमलव पांच ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 82 रन बन चुका है और ऊपर से 8 विकेट के यहां पर नुकसान रही है और ये बैटिंग रिव्यू लिया गया है, विकेट का मामला है। टीवी अंपायर चेक करेंगे कि क्या बल्ले गेंद के बीच में संपर्क बना है या नहीं बना है, क्योंकि अगर संपर्क बना है तो नॉट आउट रहेंगे और अगर नहीं बना है तो ही आउट रहेंगे, क्योंकि LBW आउट का जो मामला है दोस्तों वो सामने निकल करके आया है। और अब आखिरी फैसला देखते हैं क्या होता है, बारीकी से इस वक्त जांच कर रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम परेशान दिखाई दे रही है। पहले ही ओवर देखिए, जब खेल की शुरुआत हुई थी तो पहले ही ओवर में दोस्तों इनका विकेट गया था, लेकिन उसके बाद जब ब्रायन बेनेट बैटिंग कर रहे थे तब टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही दोस्तों उनकी विकेट गई तो परेशानियां दोबारा से बढ़ गई टीम के लिए और फिर लगातार एक के बाद एक विकेटें गिरती ही चली गईं। और अब 82 के स्कोर पे ऑलरेडी 8 विकेट इस वक्त गिर चुका है।
हालांकि अभी भी दोस्तों जांच कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से चेकिंग कर रहे हैं और अभी भी आखिरी फैसला और आखिरी निर्णय जो है दोस्तों वो निकल करके आना बाकी है। और ये विकेट है, आखिरी फैसला जो है दोस्तों ये विकेट निकल करके आई है, आखिरी फैसला जो है ये विकेट निकल करके आई है। और जिम्बाब्वे की टीम अपने रिव्यू गवा दी, आखिरी फैसला भी विकेट निकल करके आ चुका है, यानी कि अब 13.5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 82 रन बन चुका है और ऊपर से 8 विकेट की दोस्तों नुकसान रही है। और अब बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज रिचर्ड नगरावा को बुलाया जा रहा है। वैसे रिचर्ड नगरावा दोस्तों आज तक बिल्कुल भी रन नहीं बनाए हैं, इनका हाइएस्ट स्कोर केवल 11 रन है, 48 मैचेस खेले हैं और 41 रन बनाए, क्योंकि ये गेंदबाज है, रिचर्ड नगरावा एक गेंदबाज हैं, लेकिन देखते हैं क्या बैटिंग कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पर खड़े हैं वरिंदो हासरंगा को अब तक 3 विकेट मिल चुकी है। 13.5 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का जो स्कोर है 82 रन बन चुका है और ऊपर से 8 विकेट की जो है दोस्तों नुकसान भी रही है अब तक। और एक और विकेट, चलिए ओवर के अंतिम गेंद पर भी रिचर्ड नगरावा क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। ओवर के अंतिम गेंद पर रिचर्ड नगरावा जो है दोस्तों वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं और ये विकेट गिर गई और ये टीम को जो है दोस्तों सफलता मिला, ये विकेट गिर गई है, टीम को सफलता मिला, वापस पवेलियन लौटेंगे। और अब बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज ब्लेसिंग मुजराबनी को इस समय दोस्तों बुला लिया गया है, बैटिंग करने के लिए अब नए बल्लेबाज ब्लेसिंग मुजराबनी को बुला लिया गया है। तो देखते हैं कि आगे अब किस तरीके से खेल जो है दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आएगा। 14 ओवर के बाद 82 रन और ऊपर से 9 विकेट यहां पर गिर चुकी है। और अब नए बल्लेबाज आए हैं, आखिरी विकेट अब बची हुई है दोस्तों। रिचर्ड नगरावा पहली ही गेंद पे क्लीन बोल्ड हो गए, आउट हो गए और अब गेंदबाजी करने के लिए महेश तिक्षणा को भेजा गया है। महेश तिक्षणा पिछले 3 ओवर में 14 रन देकर के 1 विकेट निकाल चुके हैं, तो देखते हैं अब क्या इनको एक और विकेट मिल पाएगी। अर्जुन जी का कहना है कि 100 तक भी नहीं हो पाएगा। अनिश जी का कहना है कि 95 भी नहीं बन पाएंगे। सैमुअल जी का कहना है कि 90 या 100 के बीच बन सकती है। मोहम्मद खान जी का कहना है कि भाई 16 ओवर तक टीम जो है ऑलआउट हो सकती है। और चलिए दोस्तों विकेट गई, पूरी टीम ऑलआउट हो गई, बैक टू बैक विकेटें गई हैं, पिछले 3 गेंदों में 3 विकेट गई हैं। और क्लीव मडांडे एक बाउंड्री लगाना चाहते ही थे लेकिन एक आसान सा कैच दोस्तों दे बैठे, एक आसान सा कैच दे बैठे और मात्र 14.1 ओवर में ही जिम्बाब्वे की टीम ऑल आउट हो चुकी है, 82 रन बना करके इनकी टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि अब श्रीलंका को इस मुकाबले को जीतने के लिए 120 गेंदों में केवल 83 रन बनाना पड़ेगा। श्रीलंका के फैंस इस समय बहुत खुश और बहुत उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वैसे आज के इस मैच की अब तक की दोस्तों स्कोर कार्ड की बात करेंगे, वैसे गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, महेश तिक्षणा को भी सफलता मिला, वरिंदो हासरंगा को भी विकेट मिला आज के इस मैच में, 2 विकेट एंजेलो मैथ्यूज को मिला, 2 विकेट तिक्षणा को, 1 विकेट दिलशान मधुशंका को, 1 विकेट धनंजय डी सिल्वा को और 4 विकेट वरिंदो हासरंगा को। दुष्मंता समीरा को आज एक भी विकेट नहीं मिली, दुष्मंता समीरा के अलावा सभी खिलाड़ियों को दोस्तों विकेट मिला। और अब जिम्बाब्वे की टीम पूरे तरीके से ऑल आउट हो गई है और इनकी स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे इनके टीम की तरफ से दोस्तों 83 14 गेंदों में 12 पर आउट हुए
उसके बाद क्रैग इरविन जीरो पर आउट हुए। ब्रायन बेनेट आज सबसे अच्छी बैटिंग की है, मतलब ये 7 चौके लगाए 12 गेंदों में 29 रन 241 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद दोस्तों सीन विलियम्स 15 पर आउट हुए, शिकंदर राजा 10 रन पर आउट हुए, टॉनी मुनियोंगा 4 रन पर आउट हुए, क्लीव मडांडे 5 रन पर आउट हुए, ल्यूक जोंगवे 2 रन पर आउट हुए, वेलिंगटन मसाकाजा 3 रन पर आउट हुए, रिचर्ड नगरावा 0 पर दोस्तों आउट हुए और ब्लेसिंग मुजरा बने आखिरी खिलाड़ी जो नट आउट रहे। और इस तरीके से मात्र 14.1 ओवर में ही जिम्बाब्वे की जो टीम है दोस्तों ये 82 रन पे ऑल आउट हो गई है, यानी कि अब श्रीलंका को इस मुकाबले को जीतने के लिए 120 गेंदों में मात्र 83 रनों की तलाश है। तो बस कुछ ही मिनट के बाद दोस्तों अगले इनिंग की शुरू होगी। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगली इनिंग में।